आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के समर्थक जसमेर सिंह संधू ने 66 वर्ष की उम्र में कलायत विधानसभा में 66 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। जसमेर संधू का स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठांडा गांव सैरथा पहुंचे। जसमेर संधू के साथ अन्य युवाओं ने भी दौड़ लगाई, लेकिन वह कुछ किलोमीटर तक ही दौड़ पाए। संधू के साथ एक 10 साल के युग ने भी 25 किलोमीटर तक दौड़ लगाई है। जसमेर संधू ने दौड़ कैथल सेक्टर 18 से शनिवार रात 12 बजे शुरू की और रविवार को सुबह कलायत हल्के के गांव सैरथा में 11 बजे दौड़ का समापन किया। इससे पहले भी जसमेर संधू किसान आंदोलन के दौरान किसानों के समर्थन में 140 किलोमीटर की दौड़ लगा चुके हैं। जसमेर संधू के संकल्प पर अनुराग ढांडा ने देखें क्या कहा। 66 वर्षीय जसमेर संधू जी, जो अरविंद केजरीवाल जी के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने 66 किलोमीटर की दौड़ लगाई है और ये संकल्प लिया है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 66 से ज़्यादा सीटें जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने अपना ये संकल्प दौड़ पूरी की। सैरथा में इसका समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहाँ पर सब लोग पहुँचे, कई और साथियों ने साथ में दौड़ लगाई, कोई कुछ किलोमीटर कोई कुछ किलोमीटर दौड़ा। मैं ख़ास तौर पर युग को बधाई देना चाहता हूँ कि 10 साल की उम्र है और 25 किलोमीटर इसने साथ में दौड़ लगा करके ये दिखाया कि हरियाणा का भविष्य बहुत उज्जवल है। हरियाणा के अंदर ऐसे युवा तैयार हो रहे हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, और जिस पार्टी के पास ऐसे समर्थक हों कि जो 66 साल की उम्र में 66 किलोमीटर इसलिए दौड़ जाएँ कि वो संकल्प करना चाहते हैं कि 66 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को जितवाएंगे, उस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, उस पार्टी की कोई टक्कर नहीं ले सकता। जैसा अरविंद केजरीवाल जी का मजबूत संकल्प है, जेल के अंदर होते हुए भी वो झुकने को तैयार नहीं है, वो गरीबों के लिए काम करने के लिए अड़े हुए हैं अभी भी, वैसा ही दृढ़ संकल्प आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का है जो ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं और इस बार हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, इस क्षेत्र से कितना समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी? बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, ये वैसे भी पंजाब से जुड़ी हुई बेल्ट है और यहाँ पर लोग बहुत नज़दीकी से पंजाब में होने वाले कामों को देखते हैं। लोग देखते हैं कि कैसे जब जीरे की फसल लग रही तो उस टाइम पे पंजाब के अंदर 90 घंटे लगातार बिजली चला दी। मान साहब ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी है, किसानों को जितना पानी देना अपनी फसल में उतना पानी दें। लोग देख रहे हैं कि किसानों की बिजली पंजाब के अंदर मुफ्त है। लोग देख रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने कैसे समय समय पर किसानों के साथ धोखा किया है, 750 किसानों की शहादत ली है। तो लोग कंपेरिजन करते हैं कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो किसानों से नफरत करती है, जो किसानों को ख़त्म करना चाहती है, और एक तरफ ऐसी सरकार और ऐसा मुख्यमंत्री है जो किसानों पे जान छिड़कता है, जो खेत में जाके किसानों की समस्या को समझने का प्रयास करता है, जो उनके छोटे से छोटे नुकसान के लिए भी मुआवजा देता है, जो उनको बिजली देता है वो भी मुफ्त बिजली देता है। ये सारी चीज़ें देख करके लोगों का मन अपने आप बन रहा है इस पूरे इलाके में कि जैसी पंजाब में सरकार है ऐसी सी सरकार चाहिए हरियाणा के अंदर भी, और अपने आप लोगों का रुझान बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है। हरियाणा में मुद्दों से देखिए, अभी बहुत जल्दी लिस्ट जारी होगी, बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना मिलेगी कि किस सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सर्वे के जरिए तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है और लोगों से पूछती है कि ये उम्मीदवार हमारे पास हैं, ये दावेदार हैं, इनमें से आप बताओ कि कौन हो सकता है सबसे अच्छा उम्मीदवार। जिसको लोग कहते हैं उसको हम टिकट दे देते हैं। जब लोगों का उम्मीदवार होता है तो जिम्मेदारी भी फिर लोगों की बन जाती है कि वो उस उम्मीदवार को जिता करके भेजें। हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आम लोगों के बीच से, आम घरों से निकल के आएंगे और पूरे हरियाणा के व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे, सरकार बना करके लोगों के जीवन को सुखी बनाने का काम करेंगे। हरियाणा में किया गया इसका समापन, देखिए जसमेर संधू जी की इच्छा थी कि वो यहाँ पे करें, क्योंकि इनकी माता जी जो हैं वो सैरथा गाँव से ही हैं, तो इनकी इच्छा थी कि मैं समापन यहाँ पर करूँ और मुझे आमंत्रित किया इन्होंने कि ज़रूर आना है आपको इस कार्यक्रम में। जब कोई कट्टर समर्थक पार्टी का अगर ऐसा कोई संकल्प ले रहा हो, 66 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा हो, और वो अगर हमको चाहे कि हमारी उपस्थिति वहाँ पे होनी चाहिए, तो उससे इनकार कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए हम सब आसपास के हमारे साथी भी जो भी हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे और इस संकल्प दौड़ के समापन समारोह में हम सब शामिल हुए। मैं एक बार फिर जसमेर संधू जी को, जिनको अरविंद केजरीवाल जी फ्लाइंग संधू कहते हैं, मैं एक बार फिर उनको उनके इस संकल्प दौड़ के पूरा होने पर बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका ये संकल्प हरियाणा में ज़रूर पूरा होगा। हरियाणा में मुद्दों से ज़्यादा जाति
वाद पर भी इलेक्शन कहीं ना कहीं टिका होता है, क्या आप इसको इस नैरेटिव को तोड़ पाएंगे? देखिए, ये हरियाणा को बदनाम करने की एक साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जिसमें वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। मुझे आज तक किसी ऐसी जाति का पता नहीं लगा जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते। मुझे आज तक किसी ऐसी जाति का पता नहीं लगा जो 24 घंटे बिजली नहीं चाहते। आज तक मुझे किसी ऐसी जाति का पता नहीं लगा जो अच्छी अस्पताल की व्यवस्था नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी जो भी काम करती है वो 36 जात के लिए होता है। जब हम बिजली मुफ्त करते हैं तो घर नहीं देखते कि किस जात का है, सबके लिए बिजली मुफ्त होती है। जब हम अस्पताल अच्छे बनाते हैं उसमें हर जात का व्यक्ति इलाज कराने जाता है। जब स्कूल अच्छा बनता है हर जाति के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। इसलिए 36 बिरादरी की पार्टी आम आदमी पार्टी है। जिन पार्टियों को बिरादरी के नाम पर राजनीति करनी है वो उनको मुबारक। हम 36 जात के लिए काम करने वाली पार्टी हैं और सभी जातियों के लोग आम आदमी पार्टी का अभिन्न हिस्सा है। दिल्ली के अंदर आपने सुपड़ा साफ किया, पंजाब में सुपड़ा साफ किया, तो हरियाणा में सिर्फ 66 हजम नहीं हो रही बात। देखिए, ये तो इनका संकल्प है, ये इनकी भावनाएं हैं। आम आदमी पार्टी तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। हमारा तो सिर्फ झाड़ू का चुनाव निशान होता है, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। ये बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसी उलझन में तो फंस जाती हैं। ये सोचते हैं आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, फला नेता चुनाव लड़ेगा, इसको तो ऐसे देख लेंगे, इसको तो वैसे देख लेंगे। हमारा सिर्फ चुनाव निशान होता है, झाड़ू का निशान, हम उसको जनता के बीच में रख देते हैं। जनता चुनाव लड़ती है झाड़ू के निशान पे। क्या वो सोच समझ कर तय की गई तारीखों को सिर्फ इसलिए बदल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि वो तैयार नहीं है अभी चुनाव के लिए, उनको एक सप्ताह का समय और चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए चुनाव आयोग हरियाणा के चुनाव की तारीखें बदल देगा? ये भी हरियाणा के लोग देखेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा के लोग सूद समेत इसका जवाब देंगे। आप पक्षपात तो कर सकते हैं लेकिन लोकतंत्र में जनता के हाथ में सब कुछ होता है, वोट जनता का होता है। अगर बीजेपी के कहने पे, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे ऐसा कुछ करता है तो उसका भरपूर जवाब हरियाणा की जनता भी देगी, उनके और ज्यादा वोट कम होंगे और बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा मतदान होगा। गौरतलब है कि 66 वर्षीय जसमेर सिंह संधू हरियाणा के मशहूर धावक है, वह फ्लाइंग संधू के नाम से भी पूरे प्रदेश और देश में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही वह मैराथन रनर भी रह चुके हैं। उन्होंने लगातार 24 घंटे दौड़ने का भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जसमेर संधू ने संकल्प लिया है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 66 सीटों के बहुमत से जीतने के लिए संकल्प दौड़ का उन्होंने आयोजन किया। ये जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन अरविंद जी ने स्टार्ट किया हुआ है वो दिल्ली और पंजाब में कामयाब हुआ, और बीच में हम हरियाणा ही क्यों रहे, तो इसलिए हरियाणा वासियों में ये एक जागृति देने के लिए मैंने ये संकल्प लिया और यहाँ पर ये अपनी दौड़ लगाई। भाई, व्यवस्था परिवर्तन करना है हरियाणा के अंदर ताकि पूरे हिंदुस्तान में भी आए। तो सभी हलकों में ऐसा ही आप यात्राएं निकालेंगे, रोड करेंगे? बिल्कुल, जहां भी जरूरत होगी वहां हम करेंगे। संधू जी, ये दौड़ सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए क्यों, कांग्रेस और भाजपा के लिए क्यों नहीं? वो तो राजनीति करती आ रही है, जिस दिन से देश आजाद हुआ राजनीति चल रही है, व्यवस्था तो जो कि तू है, व्यवस्था बदलने के लिए ये मैंने दौड़ लगाई है कि व्यवस्था बदले तभी हमारा देश नंबर वन, इंडिया नंबर वन बन सकता है। आपके सभी आम का लोगों पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? प्रभाव तो पड़ेगा लोगों के ऊपर, ये रिजल्ट निकलेगा इसका।